तो डाउन्स काफ़ी बार आते थे, काफ़ी बार ये भी लगता था मेहनत तो करी थी पूरी लेकिन नंबर नहीं आए। तो इसका बस एक ही है, इसको पॉजिटिव अप्रोच से देखो कि नंबर कम आया, ज़्यादा चीज़ें सीखी है मैंने इस टेस्ट में। तो अगर पॉजिटिव अप्रोच से देखोगे तो नंबर कम आने में ज़्यादा लर्निंग है। टॉपर्स के साथ कैमोमाइल टी पर रेस ट्रैक के अराउंड लेसन्स तो हमने जान ही लिए, कैंप साइट वाली बेस्ट कन्वर्सेशंस भी हो ही गई। अब बारी है उड़ने की। आई एम नॉट किडिंग गाइस, दिस टाइम वी आर लिटरली टेकिंग आवर टॉपर टू द टॉप। Hi everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. My name is Pranav Pandari and I'm an educator of biology on Unacademy. And today I'm having Tanmay Gupta with me, NEET UG 2021 All India Rank 1 with a perfect score of 720 on 720. लीजिए, ये जो क्रेन है ना, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को ग्राउंड से 160 फीट अबव लेके जाने वाली है। सो लेट्स गो। तन्मय, हाउ इज द फीलिंग? वी आर राइजिंग अबव द ग्राउंड, उठते ही चल जा रहे हैं। नीचे मत देखना, ऊपर पहुंच जाते हैं तो एक साथ देखेंगे। फीलिंग इज ग्रेट, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग एन इंटरव्यू इन द स्काई सो हाई, है ना। 160 फीट। So most welcome to the interview, Tanmay. Thank you. We are at 160 feet height, and this is one of the very first interviews on CTwT at such a great height. So Tanmay, you have also achieved great heights when it comes to NEET UG 21. So how is this feeling? The feeling is absolutely great. So it can't be expressed in words, but it's amazing. Okay, great. So everyone wants to know about your educational background. कि कहाँ से हो आप और क्या कहाँ पढ़ाई करी है आपने? सो या एवरीवन वांट्स टू हियर यू ऑन दिस। सो एक्चुअली आई एम अ रेजिडेंट ऑफ JNK। आई स्टडीड टिल 10th इन JNK ओनली। 11th 12th में आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द हायर स्टडीज़ एंड वहाँ पे DPS R K Puram से मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी 11th and 12th। And side by side, I had taken coaching for NEET. So तन्मय, क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि NEET UG में इतना बढ़िया स्कोर तुम लेकर के आए हो, फुल ऑन स्कोर, तो क्या यार बचपन से इतना फुल स्कोर लेकर के आ रहे थे कि 8th 9th 10th में भी सब फुल ऑन फुल स्कोर के साथ ही आगे बढ़ते आए हो, कि हाउ डिड दिस मैजिक हैपन? नहीं, ऐसा नहीं था कि बचपन से ही फुल स्कोर आ रहे थे। 11th 12th में डिटर्मिनेशन थी कि मेडिकल करियर परस्यू करना है तो उसके लिए NEET एग्ज़ाम देना है एंड अपने पसंद के कॉलेज में जाना है तो अच्छा स्कोर करना है। तो बस यही मोटिवेशन थी जिसकी वजह से ऐसा स्कोर आया। ओके, ग्रेट। सो मोटिवेशन मतलब आई मीन हाउ आर यू इंस्पायर्ड टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड? व्हाट इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि मेडिकल ही फील्ड क्यों तुमने चुनी? क्योंकि 10th के बाद एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि बच्चे PCMB लें कि PCB लें, है ना, कि PCM लें। तो ये डिसीजन में काफ़ी हद तक जो होता है वो दोस्त क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, इस पर भी काफ़ी बात होती है। सो व्हाट वर द की पॉइंट्स जो तुमने ये डिसीजन लिया? Actually, in 9th standard I was a bit confused between medical and non-medical. Okay. It is a very tough confusion. But by 10th I did a bit of introspection. I realized that I had more interest in bio. I wanted to learn more about the human body, about medicine and do something good for the people. So that was the driving force. Okay. So ये वाला reason नहीं था बिल्कुल भी कि people don't like maths so they take biology and they move ahead. No, actually I liked maths. So okay. So you loved biology, you wished to explore more, so you went for it. Okay, that's great. So now let's come to one very important aspect कि जो तुमने कहा कि 10th के बाद जो decision लेना होता है, 10th के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन भी होता है क्योंकि 10th में हमारा जो अप्रोच है पढ़ने का वो बहुत ज़्यादा कि हमें बोर्ड एग्जाम लिखने हैं, ये करना है, वो करना है, लेकिन जैसे हम 11th 12th में आते हैं हमने ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन फेस करना है। सो ये ट्रांजिशन तुम्हारे लिए कैसा था? बहुत आसान था, टफ था, क्या रहा? सो यू कैन बी वेरी डिस्क्रिप्टिव ऑन दिस बिकॉज तो 10 तक तो जो बुक्स में हैं जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है, बोर्ड्स में नंबर लाने हैं, तो वो तो कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जैसे ही 11th में आप आते हो एक सिलेबस में इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से कुछ स्टार्टिंग में टेंशन होती है। तो मुझे भी स्टार्टिंग में लगा कि एकदम से बहुत जंप हो गया, लेकिन धीरे धीरे टीचर्स की हेल्प से बाकी आसपास के फ्रेंड्स हमेशा हेल्पफुल थे, तो काफ़ी ईजी रहा मेरे लिए। ओके, सो मतलब सपोर्टिव रहे सब आजू बाजू, उसकी चक्कर में तूने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। काफ़ी बार ये भी होता है ना कि 11th में आने के बाद अचानक से बहुत सिलेबस दिख जाता है और लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और खो जाते हैं, मैं तो कहता हूँ, अगर सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते। क्योंकि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, एक सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट आया और तुम उसको पढ़ते पढ़ते बस वही पढ़ते चले गए? हाँ, 11th की स्टार्टिंग में मुझे इतना क्लियर आइडिया नहीं था कि नीट तो देना है लेकिन कहाँ से आएगा। NCERT से आना था लेकिन मुझे इतना क्लियर आइडिया नहीं था, तो मैं जो बुक्स मुझे मिलती थी, जो बुक्स फ्रेंड्स ने बता दी या जिसका नाम चल रहा है वो पढ़ ली। तो 11th की स्टार्टिंग में मैंने ऐसे किया, लेकिन इससे ना टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता था, क्योंकि जिस पे आपको फोकस करना है वो आप नहीं कर पाते। तो बाय मिड 11th आई वॉज श्योर दैट द पेपर इज गोइंग टू बी मोस्टली NCERT, सो आई वॉज फोकसिंग ऑन NCERT ओनली। ओके, तो शुरुआत में ये वाली गलती भी होती है। काफ़ी बार क्या होता है, ये गलती लॉन्ग टर्म एक्सटेंड हो जाती है और पूरा का पूरा 11th इसी गलती में निकल जाता है, और काफ़ी लोगों के इस चक्कर में 11th के टॉपिक्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। तो आई होप सो तुम्हारे साथ ऐसा कभी कोई बैकलॉग का इशू आया कि व्हेन यू आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक्स ही कोई पीछे रह गया, उसके चक्कर में अगला भी छूट गया? ये चीज़ बहुत होती है स्टूडेंट्स के साथ। 11th में बैकलॉग्स तो मेरे ख्याल से सारों के साथ होते हैं, मेरे साथ भी काफ़ी बैकलॉग हो गया था मेरा बाय द एंड ऑफ 11th। सो 11th का एंड हो रहा था एंड ऑर्गेनिक ख़त्म हो गई थी एंड मेरा इनऑर्गेनिक भी बचा हुआ था। सो उस बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए आपको मेरे ख्याल से हर दिन 2 से 3 घंटे मैं देता था कि बैकलॉग पढ़ूंगा इस टाइम में, बाकी टाइम जो अभी चल रहा है वो पढ़ता था। तो धीरे धीरे करके बैकलॉग कंप्लीट हो गया। सो बैकलॉग के लिए तुमने अलग से टाइम निकाला स्पेसिफिकली? हाँ, एक्चुअली जब बैकलॉग आ गया था कि मुझे पता है कि काफ़ी बैकलॉग है, तो हर दिन के 2 घंटे मैंने रख दिए थे कि इस 2 घंटे में सिर्फ बैकलॉग का पढ़ूंगा और बाकी टाइम वो पढ़ूंगा जो अभी क्लास में चल रहा है, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात कही तुमने, क्योंकि यूजुअली हमारी मेंटालिटी क्या रहती है कि अगर हमारा कुछ रह जाता है तो हम जो चल रहा है उस पर भी फोकस नहीं कर पाते, पीछे वाले पर भी नहीं कर पाते, और इस चक्कर में पूरा ही ख़राब हो जाता है। तो दिस इज़ रियली ग्रेट स्ट्रैटेजी कि टाइम को स्प्लिट अप करना। तो तुम टाइम की बात कर रहे थे, तो काफ़ी लोग तुमसे ये सवाल पूछे होंगे ऑब्वियसली, है ना, और मैं भी इस पूरा प्रिविलेज के साथ पूछता हूँ तुमसे ये सवाल कि तुम्हारा टाइम टेबल क्या था यार? 24 घंटे में 25 घंटे पढ़ते थे? बिकॉज टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, हर प्रिपरेशन करने वाला बच्चा ये चीज़ फेस करता है। सो अपना टाइम टेबल बता दो। सो एक्चुअली 11th में जब स्कूल जाते थे तब मैं स्कूल से अप्रॉक्सीमेटली 4 o'clock घर आता था, तो 6 to 10 के आसपास में पढ़ता है, 4 to 5 hours अ डे। ओके, जिस दिन स्कूल नहीं जाना होता है उस दिन मैं ट्राई करता था कि स्टडी आज इंक्रीज़ कर दूँ, एंड इंक्रीज़ करके अप्रॉक्सीमेटली 8 hours के आसपास ऑन द डे ऑफ द हॉलीडे। तो ये कंप्लीट मिथ है मेरे हिसाब से कि फुल स्कोर लाने के लिए 12-25 घंटे इतना पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा नंबर आएंगे ऐसा नहीं होता, कितना कूल माइंड से आप पढ़ रहे हो, कितना इफेक्टिवली पढ़ रहे हो, वो मैटर करता है। बहुत अच्छी बात कही। सो इज़ देयर एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी? बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है, हम बस किताब खोल करके रखे हैं और देखे जा रहे हैं, पढ़ कुछ नहीं रहे, हम 2 घंटे बैठे मगर आउटपुट जीरो होता है। सो व्हाट वाज योर अप्रोच टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी व्हाइल यू आर स्टडीइंग? दिस वाज अ प्रॉब्लम दैट आई आल्सो फेस्ड इन द बिगनिंग कि बुक्स तो खुली हुई हैं, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा। तो उसको कोप अप करने के लिए व्हाट आई सॉ दैट इफ़ आई कंटिन्यूड बाय हॉबीज़, मतलब मैं थक गया हूँ तो मैं आधा घंटा टीवी देखा हूँ, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और मेरे ख्याल से सारों के साथ होता है। बिल्कुल ही, कुछ भी हॉबी है, कुछ खेलना है, बैडमिंटन है, तो थोड़ी देर खेल आओ, जब खेल के वापस आओगे आपको ऐसा लगेगा प्रोडक्टिविटी एकदम से इंक्रीज़ हो गई है। ओके, सो जब भी मेरी एफिशिएंसी डाउन हो रही होती थी तो मैं इन हॉबीज़ को टाइम दे देता। ओके, सो मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी मिसकंसेप्शंस रहते हैं काफ़ी सारे टॉपर इंटरव्यू जो देखते हैं कि सारी हॉबीज साइडलाइन कर दो, सिर्फ पढ़ाई करो, एकदम संन्यास सा ले लो और बैठे रहो, तो ऐसा नहीं है। यू शुड टेक ब्रेक्स इन बिटवीन एंड दैट विल ऑब्वियसली मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी। अब हम आते हैं सब्जेक्ट वाइज अप्रोच के ऊपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विद सबसे खतरनाक सब्जेक्ट जो नीट यूटी में माना जाता है, सब परेशान रहते हैं इसके लिए लेकिन पढ़ता भी कोई नहीं है इसको, ये भी एक बात है। फिजिक्स पे आते हैं। सो बी वेरी डिस्क्रिप्टिव प्लीज़ कि व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर फिजिक्स? एंड लेट मी ऑल्सो हैव अ सिप ऑफ टी, है ना, इतनी हाइट पर CTwT में पहली बार चाय, यू कैन ऑल्सो हैव सम. Yeah, so for physics, it's mostly thought that NCERT नहीं करनी. तो पहले मैं ये बोल दूँ कि फिज़िक्स में जो थ्योरी होती है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है. तो NCERT को बहुत ज़्यादा टाइम मत दो, लेकिन एक बार रीडिंग हर चैप्टर की ज़रूर करनी चाहिए. Okay. तो जो मेरा अप्रोच था फिज़िक्स के लिए, मैं मेनली नोट्स से पढ़ता था. Okay. जो कोचिंग एंड स्कूल के जो नोट्स मुझे मिलते थे, okay. तो वहाँ से मैं पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेता था एंड उसके बाद जितने भी मेरे से क्वेश्चंस हो सकते थे वो मेरे पास 2-3 सोर्स से क्वेश्चंस के. इफ यू कैन नेम देम, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. वन वाज द मॉड्यूल ऑफ माय कोचिंग, ओके. अदर वाज MTG फिंगर टिप्स व्हिच आई गॉट, एंड सम प्रैक्टिस आई गॉट फ्रॉम Cengage DPPs ऑफ फिजिक्स. सो दीज आर द 3 मेन सोर्स आई यूज्ड टू डू फॉर फिजिक्स. Apart from that, if I had any doubt, I used to consult with my teacher, and he was very supportive. So, okay, cool. Yeah. So, any need of like these heavyweight books like Kirudov and H.C. Verma वगैरह, क्या तुमने डिटेल में बहुत जा करके पढ़ा इन सारी चीज़ों को? नहीं, डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ा. स्टार्टिंग जैसे मैंने कहा था 11th में इतना पता नहीं था कि कहाँ पे फोकस करें. तो स्टार्टिंग में सारी बुक्स देखी थी, लेकिन जैसे जैसे आप 11th में आगे चलते हो आपको पता लगता है कि नीट इज एन NCERT बेस्ड पेपर. एग्जैक्टली जितनी नॉलेज आपको NCERT से मिल जाएगी उतनी काफ़ी है. तो इन बुक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो आप इजीली नीट की फिजिक्स सॉल्व कर सकते हैं. बिल्कुल. तो मतलब कम पढ़ो आगे बढ़ो वाला कॉन्सेप्ट है जो NCERT में, वो पढ़ो और बिल्कुल आगे बढ़ते रहो. ठीक है, तो फिजिक्स में हम कोर पॉइंट्स निकाल लेते हैं. NCERT एक बार रीडिंग मस्ट है, और कुछ तो प्रैक्टिस बुक्स तुमने बताई और इनको फॉलो अप करके, है ना. और अच्छा, फिजिक्स में थियोरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी कि प्रैक्टिस को? मतलब अगर मैं 100% के रेशियो में बताऊं, सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या रखते थे? ओके, सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिज़िक्स. तो फिज़िक्स में आई वुड से इट्स 60% प्रैक्टिस बट 40% रिविजन, व्हाट यू रिवाइज. एक्जैक्टली, बिकॉज कभी कभी होता है कि जिनको फिज़िक्स बड़ी पसंद होती है वो न्यूमेरिकल्स ही करते जाते हैं, थ्योरी से बिल्कुल ही छूट जाते हैं कि थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल से मज़ा आ रहा है. तो थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में. सो दोनों को हैंड इन हैंड लेके चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Have you not figured out how to study biology for the pre-medical exams? Well, I have been there in that place, but come out of it to realize that you can enjoy the subject too. And I can show you how you can do the same. Understand the fundamentals and become a master in biology. Over the course of 1.5 years, I have helped over 100 students clear the pre-medical exams. Learn with me and you will be able to score 340+ in biology. I am Pranav Pandari and I teach live for pre-medical exams on Unacademy Plus. So, physics में क्योंकि syllabus भी अच्छा खासा है और प्रेशर भी काफ़ी रहता है, और कभी तुम्हारे साथ ये सिचुएशन हो कि कोई क्वेश्चन सेट बना रहे हो, ये नहीं बना, उसके अगला भी नहीं बना, उसके अगला भी नहीं बना, तो इससे डिमोटिवेशन आता. कभी ऐसी सिचुएशन फेस किए तुम? हाँ, काफ़ी बार होता था कि चैप्टर तो पढ़ लिया, 2 बार रिवीजन भी कर ली, क्वेश्चंस कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहे. तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, पढ़ तो लिया लेकिन बहुत समझ नहीं आया. तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है अपने टीचर से जो भी डाउट्स हैं वो जाके पूछ लो, पूरे डाउट्स क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एंड क्वेश्चंस अपने आप होने शुरू हो जाएंगे. बिल्कुल. सो गलती पकड़ना बहुत ज़रूरी है ना, कंसेप्चुअल फ्लॉ जहाँ है उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिक्स आई गेस. और कोई स्पेसिफिक टिप, कोई भी फिजिक्स पढ़ रहा है तो, यानी जो फिजिक्स का डर है उसको कैसे दूर करें, इफ़ यू कैन सजेस्ट ऑल द नीट एस्पिरेंट्स? फिजिक्स का डर तभी दूर होगा जब हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. तो क्लास में हमेशा फिजिक्स की क्लास में स्पेशली अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी डाउट है उसी टाइम पूछ लो. बिल्कुल. और क्लास मिस मत करो क्योंकि बाद में नोट से डायरेक्टली पढ़ने में कुछ समझ नहीं आता है. बिल्कुल. जो आप टीचर से डायरेक्टली समझोगे वही आपको याद रहेगा हमेशा. तो क्लासेस अटेंड करो एंड जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो न्यूमेरिकल्स की उतनी करो. ओके, ग्रेट. अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर. सो इसको 3 पार्ट्स में लेते हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक. सो व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? बुक्स भी बता देना साथ में, सो इट विल बी वेरी मच क्लियर फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई यूज्ड टू रीड फ्रॉम NCERT, फॉलोड बाय कुछ टॉपिक्स अगर ऐसे हुए जो NCERT में मुझे समझ नहीं आए तो उसके लिए मैं नोट्स भी रेफर कर लेता था। एंड क्वेश्चंस के लिए अगेन इट वाज सिंगेज डीपीपी एंड मॉड्यूल्स ऑफ माय इंस्टीट्यूट। ओके, सो दैट वे यू आर फॉलोइंग। ऑर्गेनिक में ये वाली दिक्कत कभी आई? क्योंकि काफ़ी लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि एनसीईआरटी में उतने डिटेल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म्स नहीं दे रखे हैं, और लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं समझता तुम एनसीईआरटी के रिएक्शन नहीं समझ सकते पूरी डिटेल में। सो व्हाट वाज योर अप्रोच टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके लिए मैं अपने नोट्स रेफर कर लेता था। लेकिन आई थिंक 90% अगर आप एनसीईआरटी से ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो नीट के लिए वो काफ़ी सफिशेंट है। कुछ कुछ टॉपिक्स आप में कंफ्यूजन आ सकती है एनसीईआरटी से पढ़ने से, क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं दिया, तो वो टॉपिक्स अपने टीचर्स से कंफर्म कर सकते हो या नोट्स ले सकते हो उसके। ओके, ग्रेट। सो दिस वाज योर अप्रोच फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ वी मूव टू फिजिकल केमिस्ट्री। सो व्हाट वाज योर अप्रोच इन दिस, द बुक्स यू फॉलोड? सो फिजिकल केमिस्ट्री भी फिजिक्स की तरह न्यूमेरिकल बेस्ड है। बिल्कुल। तो इसके लिए एनसीईआरटी में इतनी थ्योरी नहीं है जहाँ तक मैंने देखा पूरा पढ़ के, कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। तो फिजिकल के लिए मैं 2 से 3 बार एनसीईआरटी पढ़ के जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे मिले थ्योरी के, वो मैंने अपने जो नोट्स हैं हैंडमेड नोट्स उसमें ऐड कर लिए, तो ताकि एनसीईआरटी उसमें बार बार ना पढ़ने लगे, क्योंकि शायद इतनी प्रोडक्टिव नहीं है जितनी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए उतनी प्रोडक्टिव नहीं है, तो 2 से 3 बार एनसीईआरटी पढ़ के मैंने नोट्स ऐड कर लिए अपने नोट्स में जो मुझे इंस्टीट्यूट से मिले थे। बाकी मैं नोट्स से डायरेक्टली पढ़ता था फिजिकल, फॉलोड बाय क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल एंड सेंगेज डीपीपी, एंड फॉर फिजिकल आई यूज्ड टू रेफर टू एमटीजी फिंगर टिप्स आल्सो। ओके, सो सेंगेज डीपीपी एंड एमटीजी फिंगर टिप्स लगभग तुमने हर ही सब्जेक्ट में फॉलो करी हैं? हां, ऑलमोस्ट। ओके, ग्रेट। सो एक मतलब मेरे को एक बहुत क्लियर कट एक बात समझ में आ रही है, ये ले दे करके अभी तक जो भी हमने देखा एनसीईआरटी भगवान है, हर चीज़ में एक रीडिंग मस्ट है, अगर नहीं करोगे तो फिर स्कोर में प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल सी बात, ठीक है। तो अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। एक्चुअली जब मैं भी पढ़ता था तो ये सबसे ज़्यादा बोरिंग और रट्टाफिकेशन वाला पार्ट रहता है। सो यार, हाउ यू सॉर्टेड दिस आउट, हाउ यू सॉर्टेड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो मेरे लिए भी ये सबसे बोरिंग पार्ट था, सबके लिए होता है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल होती थी, कुछ याद ही नहीं होता था, पढ़ते रहते थे। सो इसका यही मेथड था कि एनसीईआरटी की जितनी रिविजन्स करो, एंड एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोशिश मत करो इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि बाहर से कुछ भी नहीं आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी मैं इसके नोट्स खुद बना लेता था, जो भी मुझे एनसीईआरटी में, एक्चुअली सारा एनसीईआरटी में नोट्स में लिख देता था। ओके लेकिन वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता था, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी, और जम्बल्ड है, तो उस सारी इन्फॉर्मेशन को मैं अपने नोट्स में डाल देता था इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म। बिल्कुल। नोट्स मेरे शॉर्ट नहीं होते थे, लेकिन काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते थे। हाँ, ये होता है कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं, यार ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो सभी लाइन हाईलाइट हो जाती हैं, फिर पढ़ें क्या, वही नहीं समझ आता है। तो उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर फॉर्मेट में, और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आई गेस। और प्रैक्टिस के लिए कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस फॉर इनऑर्गेनिक? इट्स मोस्टली लर्निंग, कितना याद कर लिया। प्रैक्टिस के लिए मैं इसके लिए आकाश की मॉड्यूल्स यूज करता था बस, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, है ना। और ओवरऑल एनसीईआरटी सेंट्रिक ही रहे तुम इसमें, कि यू आर आउट ऑफ एनसीईआरटी एज वेल फॉर इनऑर्गेनिक? आई वाज कंप्लीटली एनसीईआरटी सेंट्रिक, नथिंग आउटसाइड एनसीईआरटी। ओके, सो मतलब अभी तक हमने 2 सब्जेक्ट्स पर बात करी, और इतनी तो चीज़ एकदम से क्लियर है कि एनसीईआरटी सेंट्रिक कंटेंट पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो फुल स्कोर आ गया यार, है ना, और काफ़ी सारी प्रैक्टिस प्लस एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स। सो नाउ लेट्स कम टू दी वेरी वेरी मेजर पोर्शन ऑफ नीट यूजी पेपर, बायोलॉजी पे आते हैं। सो बायोलॉजी पे मैं तुम्हें प्रिसाइजली क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, सो दैट वी कैन बी वेरी क्लियर, सिंस आई टीच बायोलॉजी तो हम और प्रिसाइज हो सकते हैं। सो व्हाट वर द मोस्ट बोरिंग टॉपिक्स इन बायोलॉजी यू पर्सनली फेल्ट? फॉर मी द मोस्ट बोरिंग टॉपिक वाज एनिमल किंगडम। ओके, क्योंकि याद बड़ा करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लांट किंगडम भी बहुत पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी बेटर था एनिमल किंगडम। फाइन, सो ये डाइवर्सिटी वाला पार्ट बेसिकली मैं ले लूँ, है ना। एंड तो ये पोर्शन लगभग सभी के लिए बहुत बोरिंग होता है, और पहली बात 11th में स्टार्ट होता है, तो लगता है ये बायोलॉजी में क्या हो गया अचानक, हम तो बड़ा अच्छा सोचे थे। तो हाउ यू हैंडल दिस रट्टाफिकेशन पोर्शन, अगर मैं बेटर कहूँ तो यू हैंडल दिस पार्ट? सो दीज 2 चैप्टर्स विच आर रेफर्ड, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, इनको लर्न करने का एक ही तरीका है कि बार बार रिविजन करो, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो, और जो एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए हैं उनको भी माइंड में रखो हमेशा, क्योंकि डायग्राम से काफ़ी बार हेल्प हो जाती है। बिल्कुल। और अगर आप नोट्स बना सकते हो इसके हैंड रिटन, विद ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एनिमल किंगडम में ऐसा है कि पैराग्राफ में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, एक पैराग्राफ है उसमें 10 पॉइंट्स हैं और 10-15 इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल। तो उस पैराग्राफ को आप ब्रेक करके नोट्स में डाल दो इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट बाय पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एग्जैक्टली। तो अगर आप जितना पॉइंट में रखने का ट्राई करोगे उतना वो ईजी हो जाएगा लर्न करने के लिए। और ये मेरे हिसाब से खुद से ही करना बहुत बेटर rather than just following someone else's notes, है ना? हाँ, किसी के नोट्स देखोगे उतना अच्छे से कभी नहीं समझ आएगा जितना अपने खुद के बनाए हुए नोट्स को समझ आएगा। तो अपनी खुद ही इसको डिडक्ट करना बहुत जरूरी है तरीके से, ठीक है। अब इन जनरल बायोलॉजी में योर फोकस वाज जस्ट एनसीईआरटी और अ लॉट ऑफ थिंग्स आउटसाइड एनसीईआरटी, जैसे काफ़ी लोग बहुत विस्तार से पढ़ने लगते हैं बिकॉज दे लव बायोलॉजी एंड इवेंचुअली वो लव के चक्कर में ज़्यादा लंबा पढ़ डालते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है आगे। For biology, my approach was totally NCERT centric. NCERT से पढ़ता था and of course notes भी पढ़ता था, कुछ important points, कुछ previous year questions, बिल्कुल कुछ concepts जो पुराने नीट के पेपर में आए हुए हैं उनको मैं रेफर कर लेता था कि अगर फिर से रिपीट हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी। ओके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग अप्रोच है, मैं भी यही क्लासेस में फॉलो करता हूँ कि जो उन चीज़ों का पहले पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं हम सिर्फ उनको ले लेते हैं और स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी सेंट्रिक रहते हैं। और इनफैक्ट इस साल का भी पेपर और पिछले साल का भी सब एनसीईआरटी बेस्ड था, इट्स नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन दैट वाज आउट ऑफ एनसीईआरटी, है ना। सो वी नीड टू स्टिक टू एनसीईआरटी। ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन जैसे हमने हर सब्जेक्ट में लिया, व्हाट वर द बुक्स यू वर फॉलोइंग फॉर प्रैक्टिस इन बायोलॉजी? तो थ्योरी के लिए तो एनसीईआरटी थी एंड मॉड्यूल्स जो भी मेरे पास थी आकाश की। फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यू करने के लिए इट वाज सिंगेज डीपीपी एंड द मॉड्यूल्स। सिंगेज डीपीपी आई फाउंड देम वेरी गुड फॉर बायोलॉजी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सब में तुमने सिंगेज की डीपीपीज वाली जो बुक्स हैं वो फॉलो कर रखी हैं, अमेजिंग, ग्रेट। सो नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट कि बहुत बड़े बड़े नोट्स सब बनाते हैं, लेकिन क्या एग्जाम के एंड तक आते आते तुमने भी ये शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ एक्सट्रैक्ट किए थे कि नोट्स को और कंसाइज करने की कोशिश करी थी क्या? कुछ टॉपिक्स के लिए स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने बनाए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं शॉर्ट नोट्स पे रिलाई नहीं करता था क्योंकि मुझे बैक ऑफ द माइंड में यही चलता रहता था, यार एक पॉइंट मिस हो गया शॉर्ट नोट्स में तो वो एग्जाम में आ गया, फिर क्या करेंगे, बिल्कुल। सो शॉर्ट नोट्स को मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता था, लेकिन कुछ टॉपिक्स जिनको मैं कंसाइज करना चाहता था कि ये आता है अच्छे से, अगर शॉर्ट नोट से भी पढ़ूँ तो हो जाएगा, उनके लिए मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ। ओके, ग्रेट। सो नोट मेकिंग में मतलब इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन आई वुड से, है ना, कि डिपेंड करता है कि किसका कैसा अप्रोच रहता है ना इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, ग्रेट। सो नोट मेकिंग की बात यहाँ तक होती है। इसके बाद आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि यार प्रैक्टिस सब करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन सबका ये 720 स्कोर नहीं बनता, तो इसके लिए मॉक पेपर्स तुमने कब से लगाने शुरू किए, कितने मॉक पेपर्स लगाए, और इसमें ये भी इंक्लूड करना कि सबसे कम कितना स्कोर आया था, है ना। एंड यू शुड टेल द लर्नर्स बिकॉज This should be a very, I mean, crystal clear interview for everyone, है ना? तो mock test, I think that means full syllabus test. So वो around December में मेरा syllabus complete हो गया था। Great. तो by ending December मैंने start कर दिए थे mock test करना, and उस time जो frequency थी वो ज़्यादा नहीं थी, हफ्ते में एक, हफ्ते में दो, हफ्ते में एक ही होता था वैसे starting में। Okay. By January, February I started to increase the frequency. जैसे जैसे रिवीजन आगे बढ़ती गई, 11th 12th रिवाइज होता गया, मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे मैं दे रहा था, एंड बाय द एंड जब नीट पास आ गया तो अप्रॉक्सीमेटली हर दिन एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर देता था, रोज़ एक मॉक टेस्ट दे रहे थे। ओके, ग्रेट। सो जैसे कि तुमने बताया कि तुमने काफ़ी सारे मॉक पेपर दिए हैं, सो क्या यार इसमें हर टाइम तुम्हारा स्कोर बहुत ही बढ़िया यानी 720 on 720 रहता था कि इसमें डाउन्स भी आते थे फिर अप्स भी आते थे? डाउन्स काफ़ी बार आते थे, काफ़ी बार बहुत मेहनत करने के बाद भी आते थे। तो आपने लोवेस्ट स्कोर पूछा था तो वो 600 से भी कम गया था मेरा, अप्रॉक्सीमेटली 580 590 गया था। तो डाउन्स काफ़ी बार आते थे, काफ़ी बार ये भी लगता था यार मेहनत तो करी थी पूरी लेकिन नंबर नहीं आए। तो इसका बस एक ही है, इसको पॉजिटिव अप्रोच से देखो कि नंबर कम आया, ज़्यादा चीज़ें सीखी है मैंने इस टेस्ट में, बहुत अच्छी बात। अगर पॉजिटिव अप्रोच से देखोगे तो नंबर कम आने में ज़्यादा लर्निंग है। हाँ, ये मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि गलतियां कर लो, अच्छी बात है कि अभी गलती हो गई, पेपर में नहीं होगी, अभी सीखने को मिल गया, बिल्कुल से। सो ये अप्रोच रखनी चाहिए, बिल्कुल से। और एक हम अब इसको एंड की तरफ लेके चलते हैं, और एक बहुत सीरियस इशू होता है वो एग्ज़ाम के पिछले वाले दिन, वो लास्ट नाइट वाला पैनिक हुआ था क्या तुम्हारे साथ कि वो होता है ना यार ये भी क्या भूल रहे हैं क्या हम, ये वो वगैरह वगैरह? एक्चुअली मैंने बहुत पहले से डिसाइड कर लिया था, चाहे जितना ही पढ़ा हूँ नीट से एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ूंगा। ओके तो वो एक दिन पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा था एंड मेरे पेरेंट्स वगैरह सारे साथ में थे, तो उस टाइम कोई पैनिक नहीं था। उस टाइम जितना मैं काम रह सकता था उतना काम था। तो आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ दिस आई वाज एबल टू हैंडल द स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम। ओके दैट्स ग्रेट एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन देन। जब नीट का पेपर तुम्हारे सामने आता है, सो व्हाट इज योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द पेपर? यू स्टार्ट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? बिकॉज ये बिफोर ही आंसर्स मैं एक बात बता दूं, ये सबका अपना डिफरेंट अप्रोच होता है। सो लेट्स लिसन हिज पर्सपेक्टिव ऑफ सॉल्विंग द पेपर, है ना? यू मे हैव अ डिफरेंट अप्रोच एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। नीट की कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, बिल्कुल, तो सारों की अपनी अपनी है। मेरी थी कि मैं बायो से स्टार्ट करता था, फॉलोड बाय केमिस्ट्री, फॉलोड बाय फिजिक्स। तो बायो में कंप्लीट करके मार्क करता था अपने OMR पे, उसके बाद केमिस्ट्री कंप्लीट करके मार्क करी एंड फिजिक्स कंप्लीट करके मार्क करी। बायो के लिए अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स के आसपास टाइम, 40-45। केमिस्ट्री भी 40 मिनट्स एंड रेस्ट ऑफ टाइम मोर देन 1.5 आवर आई यूज्ड टू कीप फॉर फिजिक्स, क्योंकि कभी कभार लेंथी आ जाती है तो टाइम देना पड़ता है। फिजिक्स के लिए समय बचाना बहुत जरूरी, और ये बायोलॉजी केमिस्ट्री जल्दी करके आता है ना, यही वाला अप्रोच। ओके दैट्स ग्रेट। सो नाउ वी आर एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू एंड वन मैसेज फॉर द नीट एस्पिरेंट्स एंड वन मोर आई मीन आई डन वन क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड कि इट्स इतनी बड़ी सक्सेस को मतलब क्रेडिट्स तुम किसको देना चाहते हो, किसको ओ करते हो ये सक्सेस, एंड योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? So of course the credit goes to my parents who have always supported me, my grandparents with whom I had stayed while I was in Delhi, so they helped me a lot. Apart from that, my friends who always supported me and always helped me with all the doubts that I had, and of course the teachers who really taught me so well that I could crack the exam. Yeah. And message for the aspirants, it would be that study but also keep your hobbies with you, because by that you will be increasing your efficiency. Also have a clear goal in mind that yes, I have to crack this exam and I have to give my 100% for it. Great, that's really a great message. और मतलब इस साल के जो नीट के टॉपर से मेरा मानना है बहुत डिफरेंट है, बिकॉज मैंने सारे और बाकी ऑल इंडिया रैंक 1 से मिला मैं, एंड एवरीवन इज हैविंग दिस वेरी कूल अप्रोच आई वुड से कि हॉबीज़ को साथ में रखो। नहीं तो अभी तक बड़े सीरियस बातें होती थी, यहाँ मुझे बड़ा डिफरेंट देखने को मिला। दिस इज़ रियली गुड, है ना, कि चीज़ों को अपनी हॉबीज़ को भी साथ लेकर के, एंटरटेनमेंट भी साथ लेकर के इतने अच्छे स्कोर के साथ आगे बढ़ना। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड बहुत बढ़िया करो, इसी तरह से कीप हैविंग ग्रेट अचीवमेंट्स, है ना? ओके थैंक यू। We sincerely hope you loved this interview. This was a very, I mean, candid. Plus, I hope we covered all your points. Please do let us know in the comment section कि आप अगला किस टॉपर को यहाँ पर हमारे साथ CTwT में देखना चाहते हैं। Do drop in the comment section. And at the end, I would love to hear the feedback from Tanmay that how was this amazing experience interviewing at such a great height? It was really a new and a very amazing experience for me. So I really liked it. We hope this video was very much informative and cleared all your doubts with regard to your NEET UG preparations. And if you love this video, do share this with all your friends, like kar dena, and subscribe to this CTwT channel and all your feedbacks down in the comment section.